दोस्तों, आपके चैनल पे भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का जो स्ट्राइक आ चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे चैनल पे जो एक एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है और ये जो वार्निंग स्ट्राइक है जो कि मेरे चैनल पे आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आपके चैनल पे भी ऐसा स्ट्राइक देखने को मिल रहा है तो आप इसे कैसे रिमूव करेंगे, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों, आपको जो है YT स्टूडियो अपने क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो कम्युनिटी गाइडलाइंस जहाँ पे आपको स्ट्राइक देखने को मिलता है उसके ठीक सामने ही यहाँ पे राइट साइड में टैग एक्शन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों हाउ टू इम्पैक्ट योर कंटेंट पे जो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे रिमूव करने का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब आप जो है इस कम्युनिटी गाइडलाइंस का जो वार्निंग स्ट्राइक होता है वो आप रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब जो है स्ट्राइक देता है वो फर्स्ट आपको वार्निंग स्ट्राइक देता है जो कि आपके चैनल पर लाइफ टाइम बनी रहती है। मतलब ये आपका जब तक चैनल रहेगा तब तक जो है ये वार्निंग स्ट्राइक आपको अपने चैनल पर देखने को मिलेगा, और इसके बाद दोस्तों अगर आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक पड़ता है तो आपके चैनल पर जो वार्निंग काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि आप जो है वार्निंग स्ट्राइक को रिमूव नहीं कर सकते, ये जो आपके चैनल पर लाइफ टाइम बनी रहेगी।